तो भाई देख रहे हैं आप, आज हमारे घर चल रहा है कीर्तन, है ना। तो पूरा कीर्तन आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। निकलेगा तेरी भक्ति का साहब। कैसे हैं पकोड़े? अच्छे हैं, ये भैया ने बनाए हैं। थैंक यू बोलो। दिल लगी ना कीजिए, और दिल लगी करनी पड़े तो दिल लगा कर कीजिए। अगर नाम लेना है तो उसका फोन उसके साथ दो, अन्य कोई जन्म नहीं हो तो कहने आएगा नहीं तेरा नाम उसके चरणों में ध्यान लगाते हुए। और विराट भाई जी चल रहा है कीर्तन हमारा उधर, पर ये मेरा घर है। Oh,
ये कहेंगे सबरी सबरी जब बच्ची थी लड़की थी तो एक दिन उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने की सोची और वहाँ बकरे वगैरह भेड़ वगैरह बांध दिए। उसने कहा पता जी एक इसलिए तेरी शादी है और इसका बोझ बढ़ेगा, इनका सबका बोझ बढ़ेगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। उसने सारी उम्र शादी नहीं की। उनके गुरु जी हैं जो अब तो उनकी समाधि है वहाँ, वहाँ बारह मास वरदान है, वहाँ फूल वगैरह कभी खत्म नहीं होते, बारह मास गर्मी और सर्दी हो वो वहां से फूल लेके। और गुरु जी ने कहा तू तेरे यहाँ रामचंद्र जी आएंगे और भाई आप उसकी राम गवाएंगे, मेरे राम गवाएंगे, झाड़ू देती और फूलों से उसको सजाती। 77 years तक उसने इंतजार किया। जो साधु देव आगे वो कह रहे ना तू ऐसे नीच जाती की है, तू नीच जाती है तेरे यार। गाइस ये छोले हैं। गाइस वो हमारा फिनिश हो चुका है कीर्तन और अब देवउठ ने हमारी फॉर्मेलिटी होती है वो दिखाता हूँ कैसी होती है। अमित कपिल सपन थारे जा रही है छोटी, छोटी जा रही है। तोले नारायण मैं तोई घिए चपोई आप खाऊं के गाए दूं गाए दीजो का
सपला गोरी। हमारा वशिष्ठ है। हमारा भाई ना चोक लिए ना वशिष्ठ, वो भी वशिष्ठों का ही गाँव है। तो हमारे परिवार में चाचा जी की लड़की है, उसका रिश्ता होगा। बताओ, और झड़ोदा होगा।